आप देख रहे हैं KDS न्यूज, बेहतरीन खबर। पुलिस मुठभेड़ में सातिर बदमाश तौकीर उर्फ मिर्ची को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। निगासन थाना क्षेत्र के ग्राम पड़ुआ में ग्रामीणों और पुलिस टीम पर हमला करने वाले सातिर अपराधी तौकीर उर्फ मिर्ची को गिरफ्तार किया गया है। यह घटना मंगलवार बुधवार की रात हुई है। हम आपको पूरे मामले से अवगत कराएं से पहले हम चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पूरे मामले पर हमारे संवाददाता साहिद खान ने खास रिपोर्ट तैयार की है। SP खीरी विजय कुमार ढुल ने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया है कि 24 मई को सातिर बदमाश तौकीर उर्फ मिर्ची की सूचना पर निघासन थाना क्षेत्र के ग्राम पड़ुआ में पुलिस टीम पहुंची, जहां तौकीर ने पुलिस टीम और ग्रामीणों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां से वो भाग निकला। उसकी तलाश में सर्विलांस स्क्वाड टीम को लगाया गया। मंगलवार बुधवार की रात फिर पुलिस को सूचना मिलती है निघासन थाना पुलिस को कि बदमाश तौकीर ग्राम दुलही के पास छिपा है, जिसके बाद तुरंत हरकत में आके भारी तादाद में पुलिस बल के साथ SP खीरी खुद मौके पर पहुंचते हैं और वहां पर ग्रामीण और पुलिस को देखकर फिर बदमाश तौकीर उर्फ मिर्ची फायरिंग शुरू कर देता है। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लग जाती है, जिससे वह घायल हो जाता है और उसके बाद उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। घायल हालत में उसे जिला अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया जाता है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बदमाश के पास से 12 बोर का तमंचा और 6 जिंदा कारतूस बरामद हुई हैं। पुलिस के लिए बड़ी सफलता है और ग्रामीणों ने भी इस बात से राहत की सांस ली है कि इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। काफी समय से इसका आतंक चल रहा था। मामले में पुलिस अब विधिक कार्रवाई कर रही है, जिसके बाद उसे जेल भेजा जाएगा। ऐसी बेहतरीन खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज प्रातः थाना निघासन पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पड़ुआ में ग्रामीणों एवं पुलिस पर हमला करने वाला तौकीर उर्फ मिर्ची गांव दुलही के पास छुपा हुआ है और वहां से निकलकर जिला छोड़ के भागने की फिराक में है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी निघासन पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस पार्टी को देखकर तौकीर के द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा और जवाबी फायरिंग में तौकीर के पैर में गोली लगी और उसको वहीं मौके से पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। प्राथमिक उपचार के बाद तौकीर को जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया है। पुलिस पार्टी में किसी को भी किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी है। प्रकरण के संबंध में थाना निघासन में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है।